बंगा योग साधना कमेटी दे झंडे हेठ अज अंतरराष्ट्री योग दिवस गुरु नानक कॉलेज फॉर वूमेन विखे सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक मनाया गया। इस विच DSP सरवण सिंह बल अते कॉलेज दे प्रिंसीपल मैडम संदीप कौर ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। योग गुरु सतपाल सूरी अते सुखजिंदर सिंह धामी ने दस्या कि कॉलेज विच हर रोज़ 4:30 बजे तो योग करवाए जाते हैं। अज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मौके विशेष कैंप लगाया गया जिस विच योग बारे विस्तार नाल दस्या गया। गीता रावल ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी नूं किवें घरेलू नुकसान नाल ठीक किया जा सकता है उस बारे दस्या। पंडित श्याम लाल आर्यन ने स्टेज सैकटरी की भूमिका निभाई और आए हुए सारे मुख मेहमान का धन्यवाद किया। जैसा कि मैंने आपसे प्रार्थना की, डॉक्टर बलवीर शर्मा जी, सरदार सुखविंदर सिंह जी धामी, श्री विजय बरमानी जी, राजेंद्र झिप्पड़ जी हमारे मुख्य अतिथि जी का इस बुके के साथ सम्मान करेंगे। मंच की तरफ पूरे सत्कार के साथ लेके आए मैं प्रार्थना करूंगा योग साधक मास्टर अशोक शर्मा जी से, पवन भल्ला जी से, रामकृष्ण शर्मा जी से कि वह योग गुरु श्री निर्मल जी का सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। कर्तव्य ध्वनि से तालियों से हमारे पुष्पिता श्री रावल के लिए अपना खूब आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग मास्टर धर्मपाल जी आए हुए हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कर्तव्य ध्वन से उनका स्वागत करें। इन्होंने एक बात मुझे कही थी, कह रहे हमारे बीच में समाज के कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र जैन जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कृपया वह भी मंच की तरफ आए। पंजाबी जागरण पंजाब की श्री जगबाणी से राकेश अरोड़ा जी, दैनिक भास्कर से ओ जल जिन का हाथों में इसे पीना है जल को, कहते तांत पात में रखा हुआ जल बड़ा पवित्र हो जाता है। एक हाथ में पकड़िए, एक हाथ में पकड़िए जो जो हाँ जिसके साथ सब बढ़ा दे दीजिए ना। ओम अमृतोपस्थमासी स्वाहा, 3 बार करके पीना है। ओम अमृता विधानमासी स्वाहा, ओम सत्य में शास्त्री श्री श्रेताम स्वाहा, पी लीजिए दोनों कुछ बात भुला दी बात। अब पवित्र वेद वाणी के द्वारा इसे ज्योति को हम प्रज्वलित करेंगे, सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा से ज्योति की प्रज्वलित करेंगे। चलिए प्रारंभ कीजिए। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, आप मोमबत्ती लीजिए सर। ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा, ओम सजु देवेन सवित्र सजु सेन्द्र भत्या जुषाणा अग्निर्वे कमेटी बंगा।
आए हुए सारे मुख्य मेहमान सारे योग साधक सारे आने सुप्रभात गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। सब तो पहला था योग बारे मैं ये कहूँगी जो इंसान कुछ खर्च करता है अपने जीवन में, जो कुछ खर्च करते हैं लोग उन्हें गूगल पर सर्च करते हैं। खर्च क्या करते हैं? सिर्फ पैसा नहीं, समय। जो अपना समय आज कीमती आपने काम किया है वो आज हम खर्च करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ आज प्राप्त भी करेंगे। आज बहुत सारी जानकारी हम योग के बारे में प्राप्त करेंगे। आज का प्रोटोकॉल मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। ओम संगच्छध्वं संवध्वं मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। समास्थिति, दोनों पैर जोड़ लेंगे और दोनों बाह सहायते सीधे खड़े हो जाएंगे। समास्थिति सब तो पहला चीज बनाई है। समास्थिति इस तो बाद पैरों के बीच दोनों कमर के आसपास चार उंगलियां बिल्कुल सामने और अंगूठा पीछे रुकांगे। सा छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सा करते हुए गर्दन ऊपर, सा करना और छोड़ना बहुत ही लाभदायक है, नहीं तो फिर सांस तो बिना एक्सरसाइज रह जाती है। सांस छोड़ते हुए नीचे आवेंगे। दूसरा चरण, मोटे जेड़े है ऐसे इस तरह ही स्थिर रखेंगे, इन्हें हिलाना नहीं, और सांस छोड़ते हुए सच्चे पासे अपने कानों में मोटे के नाल लगाने की कोशिश करेंगे। मोटा नहीं चकना, सा पढ़ते हुए वापस आवेंगे, सा छते हुए दूसरी साइड, सा पढ़ते हुए वापस। तीसरा चरण, सच्चे खब्बे देखना, सा छते हुए सच्चे पासे गर्दन फैलेंगे और देखेंगे। सांप पढ़ते हुए वापस आवेंगे, सामने देखेंगे, सांप छटते हुए दूसरी साइड। नो घुमाना सी ठोडी नो कंठ कोप देना, गर्दन दे इतने सी टच कर लेंगे पहला ठोडी नो। सज्जे पासे शुरू करेंगे सांप पढ़ते हुए और पूरा एक गोल चक्कर लगावेंगे। इदा ही आप दूसरे मोटे को शुरू होना। इसका अभ्यास कुर्सी से बैठ के भी किया जा सकता है। विश्राम रोकांगे, स्कंद संचालन, स्कंद संचालन क्रिया जिहड़ी कीती जा रही है, खास करके फ्रोजन शोल्डर जिन्हां दे हो जांदे है कि मोढ़ा बुरी तरीके नाल कईआं दा फ्रोजन हो जांदा रुक जांदा और काफ़ी जोर लगाते कि असीं दवाइयां लैके ठीक हो जाएंगे या फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते। जिहड़ा योग विच श्वास भर के असीं अज क्रिया करन जा रहे हैं
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੰਦ ਸੰਚਾਲਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਛੋੜ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਛੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ 'ਚ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਰੁਕਾਂਗੇ, ਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਸਕੰਦ ਚੱਕਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਦੀ ਓਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਓਰ। ਇਸ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਔਰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤੰਤਰਿਕਾਵਾਂ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸਕ ਕਟੀ ਚਾਲਨ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਓਰ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਔਰ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ